context of theory when we want to understand the concept of uh, any philosopher then definitely we have to try to understand the context of the theory that why he is presenting a specific theory or philosophy and what's the relevance of that theory so causes uh, theory or uh, is a, a total devotion to the contributing role of conflict in any सोशल सिस्टम ही मैंटेनेंस एंड रैशनल चेंज इन एनी सिस्टम शोज इट्स डिवेलपमेंट एंड दिस हैस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक दैट आ सस्टम फेसिस एंड दैन प्लान आ सल्यूशन फॉर देम बेसिकली जो बात है वो ये है कि माशरे के अंदर होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में जो तनाव पैदा होता है जो तनासम तस्दम पैदा होता है सिस्टम उससे कैसे निबटता है और फिर जब सिस्टम उस सूरत हाल का मुकाबला करता है तो ज़ाहरी बात है कि सिस्टम को कोई ना कोई सोलूशन भी निकालना है और वो मुशरा जो किसी तस्दुम का सलूशन उसका हल निकालने की कैपेबिलिटी रखता है इसका मतलब ये है कि वहाँ लोग वहाँ सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है कोजर हिमसेल्फ पावर इज नॉट अ बैड थिंग बट इट इज़ अ फैक्टर दैट हेल्प्स शेप रिलेशन सोसाइटी आमतौर पर जो पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं उनका नुकतः नज़र ये होता है कि पावर जो है वो एक नेगेटिव एलिमेंट है बट यहाँ जो हम समझने जा रहे हैं इनके बकौल इनकी फ़िलासफी के अंदर ये बताया जाता है कि पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है बल्कि पावर के वजह से माशरे को माशरे के अंदर मौजूद तालुकात को एक नई शक्ल जो है वो दी जा सकती है लेकिन बहरहाल मामला है पावर को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा इसी बात को बेसिकली कोजर ने अपनी फ़िलासफी में एक्सप्लेन किया है बिकॉज uh, कोजर ड्रू मोस्ट ऑफ हिस्स थीज़ फ्राम द ट्रेडिशनल पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट रादर देन ड्रॉइंग हिज थेरीज फ्राम मार्क्स एंड वेबर अब जो एक ट्रेडिशनल ट्रेंड आ रहा था मार्क्स एंड वेबर का इन्होंने अपनी फिलासफी उससे हट कर दी बिकॉज ही मैनेज टू बी डिस्टिंकट फ्राम रेस्ट ऑफ हिज कॉन्टेम्प्ररीज बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू कंसिडर द फंक्शनल अप्रोच इन हिज थेरी इनका नुकता नज़र क्यों मुख्तलिफ है क्योंकि इनका ये ख्याल है कि जो चीज़ें फंक्शन करती हैं जब चीज़ें ऑपरेट करती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वक्त के साथ साथ उनका सोलूशन भी निकलता चला जाता है और ख़ास तौर पर माशरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है इन सोसाइटी ये स्टार्ट कैसे होता है यकीन उसकी कोई ना कोई रीज़न्स होती हैं और आम तौर तो पर जिस रीज़न पर सबका कंसेंसिस है इनका भी इसी बात पर कंसेंसिस है दैट द अन एकक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर विद इन अ सोसाइटी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसिस दैट इट ब्रिंग्स अलॉन्ग दे एक्चुअली करिएट द कॉन्फ्लिक्ट अब ये तो ऐसी बात है जिस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है क्योंकि लाजमी बात है कि जब अन एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर होगी यानी कुछ एलिमेंट सोसाइटी के अंदर ऐसे होंगे जिनके पास पावर ज़्यादा होगी और वो उसको एक्सरसाइज करेंगे अपनी ख्वाहिश अपनी मन तक के मुताबिक तो जिनके ऊपर पावर एक्सरसाइज की जाएगी वो रिजिस्ट करेंगे वो रिएक्ट करेंगे इस सूरत हाल के अंदर किसी भी मुशरे में दुनिया में कोई भी माशरा हो जहाँ पर पावर अन डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है उस पर सवाल उठेंगे तो हर माशरे के अंदर एक रिएक्शन आएगा और वो लोग जो सफ़रर्स होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव इम्प्लीकेशनस होंगी वो ज़रूर रिएक्ट करेंगे उनका रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव ही आएगा सो ही बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट टू बी एन इंटेग्रल एंड नेचुरल कॉम्पोनेंट ऑफ द सोसाइटी और इस सूरत हाल के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है यानी अब अगर ये कहा जाए कि अफराद या लोग या अदारे वो उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे इस सूरत हाल पर तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि कुदरती तौर पर जब लोगों का इस्ताल होगा चाहे वो पावर का मनफी इस्तेमाल हो या कुछ लोगों के पास पावर का ज़्यादा होना हो और जब लोगों के पास किसी खास ग्रुप के पास किसी फ़र्द के पास ऐसी पावर आ जाएगी जो बाकी लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होगी तो इस सूरत हाल के अंदर माशरे के अंदर पहले तनाव आएगा और फिर उसके बाद तसादम की कैफियत भी आएगी तो अब ये तस्दुम जो है वो किसी भी माशरे के अंदर एक नेचुरल कॉम्पोनेंट है अब इस नेचुरल कॉम्पोनेंट को मैनेज कैसे करना है या कंट्रोल कैसे करना है अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है जो बेसिकली बेसिकलीजर की फिलॉसफी है या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है उन्होंने जो लिखा है वो बेसिकली इसी तनाजुर में लिखा है कि जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उसको टैकल कैसे करना है यानी इस सूरत हाल को जो कुदरती तौर पर जो एक लाजमी नतीजा है पावर के इस्तेमाल नेगेटिव इस्तेमाल का उसके नतीजे के तौर पर सूरत हाल को मैनेज या कंट्रोल करने के लिए क्या मेकनिज़म हो ऐसा कौन सा फंक्शनल वे आउट हो कि इस सिचुएशन को कंट्रोल भी किया जा सके या इस सिचुएशन को मैनेज करने की एबिलिटी किसके पास है क्योंकि माशरा निज़ाम के अंदर चलता है और निज़ाम की सलाहियत है जो असल में तदुम को रोकने का या तस्दुम के नतीजे के तौर पर एक बेहतर सूरत हाल पैदा करने की सलाहियत निज़ाम के पास ही मौजूद होती है